गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 27 जो कि एक ख्याति का नगद न लाना। मदन और कृष्ण जो है एक फर्म के साझेदार थे। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नलिखित स्थिति विवरण था, पूंजी और दायित्व रुपए, संपत्तियां और जायदाद रुपए, जैसा कि आदत्त दायित्व है 10,000 रुपये का, विविध लेनदार हैं 30,000 रुपये, बैंक अधिविकर्ष है 20,000 रुपये, देव पत्र हैं 30,000 रुपये, संचय जो है 18,000 का, उसके बाद पूंजी खाते हैं मदन और कृष्ण के, मदन का 45,000, उसके बाद कृष्ण का 30,000 रुपये, तो दोनों मिला देंगे तो 75,000 रुपये। फिर उसके बाद इधर है नगद जो है 4,000 रुपये हैं, बैंक में जो है 56,000 रुपये हैं। फिर उसके बाद देनदार हैं 30,000 रुपये, फर्नीचर हैं 12,000 रुपये, मशीनरी है 24,000 रुपये की, भवन है 57,000 रुपये का। नीचे ऐड कर देंगे, उसका आर्थिक चिट्ठा बना रहेगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब हम लोगों को करना क्या है, वे जो है राम को निम्नलिखित शर्तों पर फर्म में प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। जैसे राम की पूंजी रूप में 45,000 रुपये लाता है, वह भविष्य में 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा, मतलब 1/4 हिस्से के लिए वो 45,000 पूंजी लाएगा। फर्म की बहियों में 30,000 से ख्याति खाता खोला जाएगा और बहियों में ख्याति खाता नहीं रहना है। फिर उसके बाद है मशीनरी, भवन और फर्नीचर 5% हिरासत किए जाएंगे। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रावधान का निर्णय किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता, सभी साझेदारों की पूंजी खाते और नई फर्म की चिट्ठा बनाइए। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले ये ध्यान रखना, जिस चीज़ का मूल्य बढ़ेगा उसको इस साइड में लिखा जाएगा और जिस चीज़ का मूल्य घटेगा उसको इस साइड में लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, बाय रिवॉल्यूशन लॉस डिवाइडेड, क्योंकि इधर जो है बढ़ कुछ नहीं रहा है, सब में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। जैसे मशीनरी का दिया गया है तो उसमें मशीनरी का देखिए दिया गया है 5% राशित करना है, तो मशीनरी का 5% निकाल लेंगे तो 1200 आ जाएगा। फिर बिल्डिंग का भी निकाल लेंगे 2,850 रुपये आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो फर्नीचर का निकाल लेंगे 600 आ जाएगा। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1500 आ जाएगा। उसके बाद इस साइड का पूरा हो जाएगा 6,150। डेबिट क्रेडिट साइड हमारे कुछ रहेगा ही नहीं, तो इसी को ले जाके इधर लिख देंगे बाय रिवॉल्यूशन लॉस डिवाइडेड, और दोनों को बराबर बांट देंगे क्योंकि इसमें रेशियो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टिकुलर्स मदन कृष्णा और राम, पार्टिकुलर्स मदन कृष्णा और राम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड पे, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। उसके बाद इसमें लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रेकडाउन, जैसा कि उसमें दिया गया है 45,000 रुपये मदन की पूंजी का है, कृष्ण की पूंजी का 30,000 रुपये है और राम की पूंजी 45,000 रुपये लेकर आता है वो। नेक्स्ट नीचे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। कैश में जो वो ख्याति लेकर आ रहा है जो कि 18,000 रुपये की, उसको दोनों आपस में बांट लेंगे वो भी बराबर। तो ये हो जाएगा 9,000 रुपये मदन का और कृष्ण का हो जाएगा 9,000 रुपये। फिर उसके बाद लिख देंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, जो राम की कैपिटल है उसको भी आधा क्या करेंगे दोनों लोग बांट लेंगे। ए मदन बांट लेंगे 3,750 और कृष्ण बांट लेंगे 3,750 रुपये, क्योंकि मदन और कृष्ण दोनों में ये दिया गया है, ये कैपिटल अकाउंट आप जो लॉस है वो डिवाइड किया गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग इधर आएंगे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, जो रिवॉल्यूशन से हमारा आया है 30,075 और कृष्ण का भी 30,075। उसके बाद लिखेंगे टू मदन कैपिटल अकाउंट 3,750, टू कृष्ण कैपिटल अकाउंट 3,750 रुपये। उसके बाद नीचे बैलेंस क्रेडिट डाउन कैसे लेकर आएंगे, इनको इधर ऐड किए रहेंगे तो उसके बाद इन 45,000 में से इन दोनों को ऐड करके घटाएंगे तो बचेगा 37,500। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 42,750 में से घटाएंगे 30,075 को, तो ये आ जाएगा आपको 39,675 रुपये। फिर नेक्स्ट आ जाइएगा 57,750 में से घटाएंगे हम लोग 30,075 को, तो बचेगा 54,675 रुपये, और नीचे ऐड करके उसको बराबर कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट एज एट लिख देंगे 31 मार्च 2016, उसके बाद इसके बना देंगे कैपिटल मदन का 54,675, कृष्ण का 39,675 और राम का 37,500। ये हो जाएगा 1,31,850। उसके बाद आउटस्टैंडिंग है 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 30,000, बैंक ओवर ड्राफ्ट 20,000, बिल्स पेबल है 30,000, उसके बाद कैश, बैंक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी बन जाएगा।